whatever is, calms your mind, mind will have the reflection happening of the ananda, and you feel happiness. Whenever mind gets disturbed, the reflection gets disturbed, the sukha is, the happiness is gone. The sukh kisme hai? Na khane mein, na bhogne mein, na dekhne mein, na sunne mein. Sukh hai man ke tikne mein. अगर आपका मन टिका है तो आप सुखी हैं, अगर आपका मन नहीं टिका तो झोपड़ी में भी दुखी हैं, महल में भी दुखी हैं, परिवार में भी दुखी हैं, साधु बन जाओ तो भी दुखी हैं, नेता बन जाओ, मंत्री बन जाओ तो भी दुखी हैं, और मन टिक जाए तो सुअर का मन कचरा खाने में टिका है, देखो कितनी मस्ती आ रही होती उसको, कचरा खाते हैं उसको बड़ी मस्ती आ रही है. आप जब भोग विलास में मस्त होते हो तो आपकी वो मस्ती और सुअर का गंदगी खाने में मस्ती में क्या फर्क है? पर जहां मन हिला वहां सुख गया. आनंद स्वरूप आत्मा है, आनंद स्वरूप परमात्मा. भक्ति मार्ग में हम कहेंगे आनंद स्वरूप परमात्मा है. जब जब मन परमात्मा में लगेगा तब तब आपको सुख की अनुभूति होगी. और वेदांत में हम कहते हैं यह आत्मा ही आनंद स्वरूप है. जब जब तुम्हारा मन ठहरेगा तुम्हें सुख की अनुभूति होगी. पर वेदांत एक छलांग और मार देता है. वो कह रहे तुम अपने आप को साक्षात अपरोक्ष करो कि मैं ही सच्चिदानंद हूं. मतलब ये ऐसा हो गया, अभी तो क्या है, मन ठहराओ तो प्रतिबिंब, पानी ठहराओ तो प्रतिबिंब ठहरा, पानी हिला तो प्रतिबिंब, तो मन ठहरा तो सुख है, मन हिला तो दुख है. अच्छा हम पानी छोड़ के सीधे चांद को देखने लग जाए तो चांद तो कभी हिलेगा ही नहीं. ऐसे ही मैं चिदाभास को न देख के स्व अपने आप को देखूं, अच्छा अपने आप को देखूं तो मेरा आनंद कहीं जा सकता है? इसलिए स्वामियों को जब नाम मिलते हैं ना संन्यास के बाद, तो नाम आगे कुछ भी हो पीछे आनंद ही होगा. आनंद 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 चलता रहेगा. ध्यान में योग में जब मन ठहरेगा तो सुख है, ज्ञान में वेदांत में मैं आनंद स्वरूप हूं ये निश्चय कर लेने से ही आनंद है. कैसे होगा? प्रमाण से समझें. प्रमाण में दे रही हूं, समझना आपकी बुद्धि ने है. तो दृष्टि अभी कहां है? मन पे दृष्टि है, अभी चिदाभास पे. और इस दृष्टि को पलटाना है, बदलना है, आभास से बदल के अपने आप पे लाना. श्लोक लीजिए. अमनस त्वात्मे दुख रागा द्वेषा भया आद्यः अप्राणो हि अमनः शुभ्रः इत्यादि श्रुति शासनात्. क्योंकि मैं मन नहीं हूं इसलिए अब मेरे लिए कोई दुख नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, कोई भय नहीं है और कोई द्वेष नहीं है. अपना आप में ना प्राण है न मन है और वो शुद्ध है, ऐसा श्रुति कहती है. शंकराचार्य इज सेइंग दैट द शास्त्रस आर सेइंग बिकॉज आई एम नॉट दिस माइंड हेंस आई एम नेवर सोरोफुल नेवर मिजरेबल नो फियर नो डिजायर नो वासना. And this self is
In the self there is no prana and there is no mind. Hence, I am the non-changeable entity. मुझ में न मन है न प्राण है. क्यों? प्राण कहाँ है? सूक्ष्म शरीर में. और मैं तो सूक्ष्म शरीर नहीं हूं. अच्छा जी, प्राण है सूक्ष्म शरीर में, काम करते हैं स्थूल शरीर में. मैं स्थूल नहीं, सूक्ष्म नहीं. प्राण शरीर में है तो शरीर को हम कहते हैं प्राणी. मुझ में तो कोई प्राणी नहीं है. शरीर से प्राण निकल जाए तो कहेंगे मुर्दा. और मुझ में कोई प्राणी नहीं है तो प्राण निकलेगा कहां से? तो मैं मुर्दा कब होऊंगा? कभी भी नहीं. अच्छा, अब तुम कहो, लो जी हम तो, हमने ज्ञान सुन लिया तो अब इसके बाद तो हम तो मरेंगे ही नहीं. और तुम हम समझो इस शरीर को, हम तो मरेंगे ही नहीं, हम तो मरेंगे नहीं. ये तो गलत बात हो जाएगी. ज्ञानी का शरीर नहीं मरा क्या? आद्य शंकराचार्य का शरीर नहीं मरा? केदारनाथ में गिरा है. गिरा मैं इसलिए कह रही हूं, जैसे पका हुआ पत्ता पेड़ से गिर जाता है, ऐसे ज्ञानी का शरीर उससे गिर जाता है, अलग हो गए. अच्छा, अलग ना हो वो तब भी स्व को शरीर से अलग निश्चय पूर्वक जानता है. ज्ञानी को इस बात का परोक्ष ज्ञान नहीं होता. बिकॉज बहुत लोग ना, बड़े सारे संप्रदाय हैं, वो कहते हैं हम आत्माएं वहां से आई हैं, हम आत्माएं एक दिन वहां चली जाएंगी, और हमारा जो डैडी है पापा वो वहां रहता है. ये पागल, वहां कोई नहीं बैठा. बेवकूफ मत बना. वो कबीर जी का पद है, हम कब बेवकूफ बना वो ना. ये पूरा भजन है. हम कब बेवकूफ बना वो ना, सच हमसे छुपा हो ना, सच क्या है बताओ ना, हमको बेवकूफ बनाओ ना. और लाखों लोग, हजारों लोग ऐसे संप्रदायों को फॉलो करते हैं तो लगता है वाह भाई वाह, जैसे कच्चे गुरु तैसे कच्चे चेले. बड़ी भीड़ है भाई इनकी भी. वो लगे हैं, कहते यहां ध्यान लगाओ, यहां से सीधे लिंक शिव बाबा को पहुंचेंगे. शिव जी यहां से लाइट निकलेगी सीधे वहां, वहां से लाइट आएगी सीधे यहां. कनेक्शन बनाओ, कनेक्शन. नेटवर्क खराब है अभी. बोले नेटवर्क कैसे जुड़ेगा? बोले हमारा चेला बनो, हम जोड़ेंगे. ये लाइनमैन लगे हैं वहां के, तो पेच कस लिए घूमते हैं, किसको जोड़ें किसको जोड़ें हैं, किसको जोड़ें किसको जोड़े. अरे पागल, हम जुड़े जुड़ाए हैं. आज श्लोक आया था ना, इस आत्मा को जानने के लिए किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है, पर ये बात समझने के लिए भाई गुरु की भी जरूरत, सत्संग की भी जरूरत, सबकी है. मन की शुद्धि, अंतकरण की शुद्धि, सब कुछ चाहिए. आत्मा को जानने के लिए कोई कठिनाई नहीं, पर मन गड़बड़ है ना, बुद्धि गड़बड़ है. तो मन का शुद्धिकरण, बुद्धि को ज्ञान से, विचार से संशय मुक्त करना जरूरी है. वहां है वहां जोड़ो ध्यान, वहां से हम आए हैं वहां. ये वहां पता नहीं कौन सा जहाज चलाना है इन्होंने, जिसमें बैठाएंगी और पचाएंगी वहां पे. फिर यही है सब, यही है. आ देख ले बाहर के कैसी बाहर है. हमारा ईश्वर कहीं दूर किसी आसमान में छुप के नहीं बैठा हुआ कि जिस तक बात करने के लिए भी कोई बीच में माध्यम, मतलब वो भी नहीं चाहिए. प्राण मुझ में नहीं, मन मुझ में नहीं. इसलिए शास्त्र इति आदि श्रुति शास्त्रनाथ श्रुति कहती है, पुराण ये उपनिषद कह रहा है, वेद कह रहा है, ज्ञान कह रहा है, तो सत स्वरूप है.
सत की कभी मौत नहीं होगी। तू चैतन्य है तो जड़ हो ही नहीं सकते। भाई मिश्री मीठी है, मैं क्या करूं कि मिश्री कड़वी कर दूं, नीम में डाल दो कड़वी होगी मिश्री। सच ये डाल के देख लेना, मिश्री फिर भी मीठी रही थी, बल्कि नीम को थोड़ा मीठा कर देती। स्वभाव है, ऐसे आत्मा का स्वभाव क्या है? सत, चैतन्य, आनंद, व्यापक। अगला श्लोक। वाह 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 वाह। निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरंजनः निर्विकारो निराकारो नित्यो मुक्तो अस्मि निर्मलः। आकार किसका है? शरीर का। आत्मा का क्या आकार? अच्छा, आत्मा तो छोड़ो, मन का भी कोई आकार नहीं है। तो मैं कैसा है? निर्गुणो, निर्गुण मतलब, निर्गुण मीन्स विदाउट एट्रीब्यूट्स, निष्क्रिय विदाउट एनी एक्शंस, नित्य मीन्स इटर्नल, निर्विकल्प विदाउट एनी डिजायर, निरंजन विदाउट एनी डर्ट, निर्विकार विदाउट एनी चेंज, निराकार विदाउट एनी फॉर्म, नित्य मुक्त एवर लिबरेटेड। कौन है ये? अस्मि निर्मलः, ये मैं हूं। अस्मि संस्कृत में अस्मि, ये मैं हूं। कैसा? शुद्ध। कैसा हूं? अच्छा, एक एक शब्द समझो, कोई गुण नहीं। आमतौर पर बोले ना, इसमें तो कोई गुण नहीं है, बड़ा बुरा लगता है। पर यहां हम क्या कह रहे हैं? आत्मा में कोई गुण नहीं है। पर यहां गुण का मतलब क्या है? रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये किसमें है? प्रकृति में है, आत्मा में नहीं। निष्क्रिय, क्रिया किसमें है? शरीर में, मन में, आत्मा कोई क्रिया नहीं। नित्य, जो सदा रहे। निर्विकल्प, विकल्प मतलब इच्छा, विचार, आत्मा कुछ नहीं। निर्विकल्प निरंजन, अंजन माने काजल, काला, गंदगी। तो निरंजन माने कोई गंदगी नहीं। शरीर में होती गंदगी, अंदर भी है बाहर भी है, बढ़िया बढ़िया डिओड्रेंट परफ्यूम, बाद में फिर बू मार रहा होता है शरीर, पसीना आएगा, शरीर में पित्त होगा, बदबू आ ही जाएगी। कभी कभी मेरे को लोग जैसे मिलने आते ना, और कभी कभी वो थोड़ा नजदीक बैठ जाते। एक आए, बड़ी सुंदर, बड़े सुंदर पति पत्नी आए, दोनों ही बड़े सुंदर। And I was admiring their beauty, क्योंकि यहाँ देख ले बाहर के कैसी बाहर है। बाहर आई थी हमारे, हम देख रहे थे, जैसे ही वो बैठे पास, उन्होंने कुछ बात करने के लिए मुंह खोला, वो ताजा ताजा लहसुन खा के आई थी। मैं हंस रही थी, मैं आगे से कोई मुझे मिलने आए ना, उसे इलायची खिलाया करो पहले, पेट खराब हो तो भी मुंह में बदबू आएगी, पायरिया हो तो भी बदबू आएगी। विकार शरीर में होता है, बदबू शरीर में होती है, पर आत्मा में कोई विकार है या नहीं? अच्छा, ये आत्मा किसका नाम है? कौन 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 है ये आत्मा? कहाँ रहती है? बोलो ना, कौन है ये आत्मा? किसकी बात मैं कर रही हूं? किसकी? मेरी। अच्छा देखो, मेरी एक सी होती सबकी, किसी को बोलो तुम कैसे हो, वो क्या कहेगा? मैं ऐसा हूं, मैं अच्छा हूं। यहां
जितने लोग बैठे हैं, बाद में, अभी नहीं, बाद में सब आज एक दूसरे को पूछना, आप कैसे हो? वो क्या बोलेगा? मैं अच्छा हूँ। आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। भाई हम ये सारे ही मैं लिए घूम रहे हैं। मैं तो सबके पास है, बस फर्क ये है तुम झूठी मैं लिए फिरते हो और हम सच्ची मैं का ज्ञान दे रहे। झूठा मैं तो सबके पास है, ज्ञानी अज्ञानी, कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट एनी वट एवर योर फिलोसफी इज, एवरीबडी हैज एन आई, बट दे हैव एन अनरियल आई, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल आई, एंड दिस रियल आई इज आत्मा, इन संस्कृत आत्मा, इन हिंदी शुद्धमय, शुद्धमय, इसमें कोई विकार नहीं, निराकार नित्या मुक्ता, कौन? अस्मि मैं। ये कौन सा मैं? चिदाभास नहीं, जिसका ये आवास। अब ये बात को थोड़ा क्लियर करने की जरूरत है। कैसे होगी? विचार से। श्लोक, अहम आकाशावत सर्वम बहिरंतर्गतः अच्युत्यः सदा सर्वसमः सिद्धो निसंगो निर्मलो अचलः। जैसे आकाश ने सब जगह को भर रखा है और जो भीतर बाहर एक सा है, अब ये एग्जाम्पल दे रहे हैं किसकी? आकाश की। आकाश में कह चुकी हूं क्या है? स्पेस। स्पेस माने आकाश, और आकाश क्या है? जड़। क्यों? ये प्रकृति से हुआ है और पूरी प्रकृति ही जड़ है, आकाश उदाहरण है। यहाँ टेंट के अंदर भी आकाश, बाहर जाओ तो भी आकाश, कहीं चले जाओ तो भी आकाश, धरती छोड़ के बाहर स्पेसक्राफ्ट पे चले जाओ तो भी आकाश, आकाश तो सब जगह पे है। जैसे आकाश सब जगह पे है और आकाश में कोई परिवर्तन भी नहीं होता है, ऐसे ही मैं हमेशा एक सा रहता हूँ और सब जगह हूँ।